दिल्ली के आजादपुर मंडी में कुछ समाज सेवी और दिल्ली पुलिस के सहयोग से मिलकर लोगों को किया गया मास्क का वितरण। कोरोना से बचने के लिए आजादपुर मंडी के गेट पर ही मास्क देकर एंट्री करने की दी गई हिदायत। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में कोरोना के मामले, जिसको देखते हुए फिर से मास्क वितरण और सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में स्थिति भयावह हो रही है। अब एक बार फिर से पहले कोरोना काल की तरह लोगों ने एक दूसरे के सहयोग और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मास्क बांटने के साथ साथ सैनिटाइजेशन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज आजादपुर मंडी के बाहर भी कई समाज सेवी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए। साथ ही लोगों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय राघव है। संजय राघव जी, आप मेन रोड पे आजादपुर मंडी के साथ में आप लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, तो तीन चार के साथ में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं और समाज के लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी दिन रात जो दिल्ली पुलिस है और जो मीडिया कर्मी हैं हमारे, किस तरह से हमारा पिछला समय भी हमने देखा है, जो दिन रात इन्होंने कितने इसके मेहनत करते हैं, ये दिन रात लगे हुए हैं और इनमें से कितने कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, मगर जनता को समझना चाहिए। और हमने इसीलिए दिल्ली पुलिस के साथ में आज ये मास्क वितरण का लोगों एक जागरूकता अभियान चलाया है उनके साथ मिलकर, कि जिससे लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आए और अपनी जिम्मेवारी समझें, इस बीमारी से बचा जाए। समाज के लिए किस तरह से आप लोग समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं है, मास्क नहीं पहन पाते, उनको मास्क देकर आप लोग किस तरह से समझा रहे हैं? हम उनको जैसे भी हो सके उसी तरह से समझा रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, भैया जी ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है, ये किसी को नहीं बचेगी, क्योंकि आप जो है मास्क लगाएं, मास्क ही एक ऐसी जगह सोशल डिस्टेंसिंग से बचा जा सकता है या मास्क से बचा जा सकता है। और अपने नज़दीकी जो 45 से ऊपर वाले हैं उनको ये भी कह रहे हैं कि आपने कोविड इंजेक्शन लगवाया या नहीं लगवाया, उसके लिए भी उन लोगों को हम बता रहे हैं कि आप कोविड इंजेक्शन भी जाके लगवाएं। सर हरिंदर शर्मा, हरिंदर शर्मा जी, आप मंडी के गेट पर मास्क वितरण कर रहे हैं पुलिस के सहयोग के साथ में, क्या कहना चाहते हैं पब्लिक के लिए? क्या पब्लिक से अनुरोध यही है कि अपने घर से अपने मास्क पहन के निकलें, जिससे कि उनके अपने खुद की सेफ्टी रहे, उसके घर की परिवार की सेफ्टी रहे। तो ये मास्क हमारे अपने लिए है, मेरे परिवार के लिए है, तो हमें अपने परिवार स्वस्थ रखना है तो मास्क पहन के निकलना चाहिए हमारे को। हमारे प्रधानमंत्री यही कहते हैं, गृहमंत्री ये कहते हैं और डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि अगर हमें इस बीमारी से बचाव करना है तो हमें मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलना चाहिए। पब्लिक के लिए क्या सजेशन है आप लोग दिल्ली पुलिस के साथ में मास्क वितरण? तो दिल्ली पुलिस वाले की बात करें, लोग बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जगह भी रात 24 घंटे काम कर रहे हैं ये लोग, तो इनका स्वागत करते हैं हम इनका।